गाइस तो धूप लग रही बहुत तेज की, छत पे से आ रही है यहाँ से। यूनेस्को ने इस वाले किले को काउंट किया गया है इसको। तो गाइस मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा अपनी बीवी से, थोड़ी दूर हट के तो थोड़ा खर्चा वर्चा देख के आना, क्योंकि बीवी लोगों का कुछ नहीं पता होता। यो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल। और आज की हमारी सेकंड मॉर्निंग है फ्रॉम जयपुर, और आज से हम लोग घूमना स्टार्ट करने वाले हैं जयपुर। और आपको एक छोटा सा रूम टूर देते हैं, उसके बाद चलो करते हैं। अब बातें कम, रूम टूर ज्यादा दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट, और सामने मुझे ये एक फुल लेंथ मिरर मिल रहा है जिसमें मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ और खुद को देख सकती हूँ, यो मैं कैसी लग रही हूँ। एंड यहाँ पर है ये छोटा सा वॉशरूम, एंड जो बेसिक चीज़ें होती है वॉशरूम में वो सब कुछ है यहाँ पे। हमारा छोटा सा बेड और लाइटिंग्स है, एसी है जो यूजुअली हर जगह पे होता है। एंड यहाँ पर है ये टीवी, एंड ये छोटू सा फ्रिज है यार, कितना क्यूट लग रहा है ना। यहाँ पर ये छोटा सा टेबल है अगर आपको सामान रखना है, एंड यहाँ पर है ये सुंदर सी बालकनी है, और यहाँ से मतलब बहुत ह्यूज है और अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ से ना सारे जो भी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने घूमने जाना है वो सब यहाँ से बहुत पास में है, इसलिए हम लोग मतलब ये होटल चूज किया है। होटल का नेम है होटल द शाम, और ये जल महल के बहुत पास पड़ता है, और हम लोग को बहुत पास रहने वाला है घूमने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसको चूज़ किया है अपने लिए, जिससे कि हम लोग को सब चीज़ें पास पास पड़े और हम यहाँ से इजीली पहुँच पाएँ जहाँ पर भी हमने घूमने के लिए जाना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर घूमने के लिए जाएंगे, और फिर आज का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। तो गाइज वी आर ऑल रेडी, हम दोनों रेडी हो गए हैं। आज का हमारा कुछ आउटफिट ऐसा दिख रहा है, और अब हम चले हैं। कहाँ चल रहे हैं हम देखते हैं, मतलब ऐसे खुद ऐसे ही कुछ भी कर रही हूँ, बस यहाँ से निकल रहे हैं अभी, देखते हैं कहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। देखो जयपुर में ना बहुत सारी जगह है घूमने के लिए वैसे तो, पर हम देखते हैं कि हमारे अभी यहाँ से पास क्या पड़ेगा। वैसे जल महल पास है, प्लस नाहरगढ़ फोर्ट पास है, और हाँ जयपुर पैलेस भी पास है, तो शायद हम जयपुर पैलेस जाएंगे पहले, उसके बाद जल महल बाहर से दिखाएंगे, क्योंकि अंदर तो हमें जाने देंगे नहीं, हमें क्या अभी किसी को भी अलाउड नहीं है। और आसपास की मार्केट ट्राई करेंगे, और यहाँ का लोकल फूड ट्राई करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, और कहीं और जाएंगे तो हम वो भी आपको इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, तो जहाँ पे भी जाएंगे वो बता देंगे, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। राइट, चलो चलते हैं। ओके, मिलते हैं। तो गाइज हम लोग पहले जा रहे हैं आमेर फोर्ट, क्योंकि आमेर फोर्ट सबसे बड़ा है, तो हम पहले वो देख कर आएंगे, और रिटर्न में आते हुए जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बीच में पड़ेगी वो सब देख के आएंगे। तो चलो चलते हैं आमेर फोर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़े थोड़े पहाड़ आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आमेर फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पे जाके है, इसीलिए वो रास्ता अब स्टार्ट हो गया है, और थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। एलिफेंट, और इतना प्यारा एलिफेंट लग रहा है, उसको ना डेकोरेट कर रखा है सामने से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप लोग एलिफेंट की, कैमल की राइड ले सकते हो अगर आपको मन है तो। वाह यार, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, मुझे तो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ना दूर से, और इसके साथ में जो पानी है, वाह मजा आ गया, दूर से देखने में मजा आ गया, अभी अंदर जाके और पता चलेगा कैसा है। तो धूप लग रही बहुत तेज की, बहुत तेज, छत पे से आ रही है यहाँ से। बाकी ऋतिका ने तो अपने लिए कैप ले लिया है, और हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट, ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम आपको अंदर से दिखाएंगे, पर हाँ ऊपर चढ़ने के लिए वही वैष्णो माता की चढ़ाई है वैसे तो। यार मेरे को तो ना जैसा लग रहा है, डर भी लग रहा है, इतना ऊंचा है। हाँ, और गर्मी भी हो गई है, बाकी धूप मतलब बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये जनवरी का मौसम है, धूप तो अच्छी खासी है। अगर मैं यहाँ पे ड्रेस पहन के आती ना तो बहुत ही अच्छा रहता। सही में लोग लड़कियां वन पीस पहन के आ रही हैं, बॉयज हाफ बाजू की टी शर्ट में घूम रहे हैं, हमने इसके नीचे भी इनर पहन रखा है। हाँ, हम लोग बॉडी आर्मर पहन के घूम रहे हैं, बताओ, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं ना। हाँ दिल्ली से हैं। आप आगे समझदारी हो, चलो ठीक है फिर आगे मिलते हैं ऊपर। मतलब ऊपर आने के बाद इस तरीके से दिखता है, बाकी जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे पूरा। तो
तो गाइज हमने यहाँ की टिकट ली, मतलब जो आमेर फोर्ट पे ऊपर अगर जाओगे आप, मतलब जो जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ तक की कोई टिकट का प्राइस नहीं है, पर इसके ऊपर जाते हो आप पैलेस देखने, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो 20 रुपीज़ आपके लिए टिकट है, और अगर आप सिटीज़न हो, इंडियन सिटीज़न हो, तो 100 रुपीज़ पर सिटीज़न है, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो 400 रुपीज़ है ग्रुप चार्जेस, प्लस फॉरनर्स के लिए 500 पर पर्सन है, हाँ, और उनका ग्रुप का 1000 रुपीज़ के आसपास का था शायद, मैंने ऐसे ही देखा था। बाकी हमने टिकट ले लिए और अब मिलते हैं आपको ऊपर। तो गाइस जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हमें ये वाला आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये देखो ये रहते का ऐसे लग रही है ठंड, ठंड नहीं लग रही क्या कह रहे हो? हाँ यहाँ पे ठंड नहीं है, सही कह रहे हो, दिल्ली का अकॉर्डिंग है ठंड नहीं है, और वो देखो लोग हाफ सीरीज में भी आ रखे हैं, उन्हें ठंड लग रही है फिर? नहीं ऑब्वियसली नहीं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4-5 फोर्ट्स हैं, एक ये आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, और 2 फोर्ट और हैं, मैं नाम भूल गया, तो वो भी मैं बता दूँगा। ये सारे फोर्ट्स जो हैं ये एक राजा ने बनवाए थे, है ना, एक ही राजा ने बनवाए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और एक चीज़ जिस पे मेरे को पूरा श्योर है वो ये है, ये तीनों जो फोर्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हाँ, और वो कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये आप देख सकते हो बाउंड्री वॉल जो है, मतलब ये ऊपर से ना पूरा रास्ता है, और वो देखो वो सामने वहाँ से भी रास्ता है, ये सारे देख रहे हो आप पहाड़ों पे रास्ते बने हुए हैं, स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये सारे जो स्टेप्स और स्टेयर्स बनी हुई हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए बनाया गया है, कि जिससे जो भी राजा है या जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, हाँ, और इसके आसपास आई थिंक आप लोग को दिखाया होगा, या अगर नहीं दिखाया तो हम दोबारा दिखा देंगे, जितना भी पानी है जो इस किले में पानी का यूज़ होता था वो सारा कुछ उस पानी के थ्रू यूज़ करते थे। कि रितिका ने बताया ही था, मैं ये फ्रंट व्यू से भी दिखाऊंगा आपको पूरा, ये जो लेक टाइप है यही पानी का स्रोत हुआ करता था इस वाले किले का, और इसे जब मानसिंह जी ने बनवाया था तो इसे अंबा माता के लिए बनाया था, क्योंकि वो अंबा माता को बहुत मानते थे, बहुत पूजा अर्चना करते थे उनकी, इसलिए उन्होंने इसको अंबा माता के नाम पर बनाया था, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड कर लिया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इसलिए सब फॉरेनर्स और जितने भी लोग आते हैं इस फोर्ट को देखने के, हालांकि बहुत बड़ा है और वॉकिंग डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि कोई थक जाएगा तो उसको मन नहीं करेगा आने के लिए, बट स्टिल ये इतना फेमस है तो लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और यहाँ पर बहुत बहुत रश है, आप आके ज़रूर विज़िट करना, यहाँ पर आपको खुद अपने टाइम पर भी बहुत रश मिलेगा। ये देखो ये कितना सुंदर बना रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क किया हुआ है, और कितना अच्छा, मतलब पुराने टाइम में भी आर्ट को ना बहुत अच्छे से माना जाता था, और बहुत अच्छे से करते भी थे लोग, जो स्कल्पचर्स बना रखे हैं, जो ये आर्चेस बना रखी हैं, कितने सुंदर आर्चेस बना रखी हैं, प्लस जो इस पर डिटेल्ड वर्क किया हुआ है, और ये देख रहे हो आप क्या मस्त, कितने सुंदर सुंदर, मतलब अभी के हिसाब से तो बहुत पुराने लगते हैं, पर हाँ जब ये बने होंगे तो कितने सुंदर होगा, कि हमें आज भी इतना प्यारा लग रहा है। मैं दूर से तो दिखाया ही आप लोगों को, और पास से भी दिखाता हूँ, जो ये आर्ट है ये मुग़ल आर्ट है, और ये अब तो वैसे बहुत पुरानी हो गई, और इसमें बहुत सारे क्रैक्स और बहुत कुछ आ गया, पर आप अंदर से देख ही सकते हो उस टाइम पे, मतलब इसके अंदर डिटेल्ड वर्क किया होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो जो कि अब थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये वाला आप देख सकते हो थोड़ा सा, पर हाँ जैसा ओरिजिनल था वैसे ही रखा गया, तो इसीलिए ये इतना ही बच पाया है। ये कितने पुराने पुराने गेट हैं जो कि आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मतलब स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हैवी है, और हाँ कोई आ नहीं रहा, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, पर हाँ इसमें अभी आप देख सकते हो कहीं पे भी दीमक नहीं लगी, कहीं से भी मतलब ख़राब नहीं है, पर हाँ इसकी पॉलिश जो है वो थोड़ा सा फेड हो गया है, पर हाँ अभी भी ये कितना स्ट्रांग है और कितना साफ है। राजा ने अपने लिए छोटा सा अंदर एक गार्डन टाइप भी बना रखा है बैठने के लिए, फाउंटेन्स भी हैं छोटे छोटे, पर हाँ उस टाइम पे इतना काम भी बहुत ज़्यादा माना जाता था,
जो कि आप देख सकते हो ये आज डेट तक बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा गया है पूरा। पर हाँ, मेनली आज भी जो लोग आते हैं वो ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखने आते हैं, अंदर जो डिटेल्ड काम हो रखा है। जैसे मैं यहाँ का भी अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना प्यारा और कितना डिटेल्ड काम हो रखा है। प्लस इतनी बड़ी बड़ी इमारत पुराने टाइम की और आज तक टिकी हुई है, तो आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पे किस हिसाब से इन चीज़ों को बनाया गया है। गाइस, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं दीवाने खास पे, और जहाँ पे हम पर्टिकुलरली खड़े हैं ये है शीश महल। और यहाँ पे जो राजा होते थे वो अपने स्पेशल गेस्ट से मिला करते थे इस वाले स्टेज में। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है प्रॉपर शीश से। आप ऊपर देखोगे ना तो लिटरली रिफ्लेक्शन दिख रही है। अभी पुराना हो गया तो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम अभी भी देख पा रहे हैं। और यहाँ से नॉर्थ साइड में ना होते हैं प्रॉपरली स्नान घर होता था उस टाइम पे भी, वो डोनेट किया हुआ है जो कि अभी बंद है, क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन वो होता था। और इसको ठंडा रखने के लिए इस पे ना मतलब ग्लास की ग्लास पे कोई कोटिंग भी करते थे, जिससे ये जो एरिया है ये गर्मियों में भी ठंडा रहे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस महल में इतनी सारी गुफाएं बनाई गई हैं ना, तो वो किसी को नहीं पता कि कहाँ कहाँ बनाई गई हैं। पर हाँ, अगर कभी कोई अटैक करता तो इंटरनल ही मतलब राजा एक गुफा से मतलब घुसता और दूसरे किले में निकल जाता। जो पहले रानियाँ होती थी वो बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, तो इनकेस उनको यहाँ से बैठ के बाहर का आउटर कुछ इंजॉय करना है तो यहाँ पे छोटे छोटे विंडोज़ बनाए हुए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैंने फोटोज भी क्लिक कराई हैं। तो ये उनके लिए बनाया हुआ था। तो जो राजा की थी उनकी दो वाइफ थी, तो एक वाइफ के लिए था और एक अनदर वाइफ। जो ये एरिया है ये बहुत ठंडा है, प्लस यहाँ से जो पानी का हमने स्रोत दिखाया था वो भी दिखता है, स्रोत जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उस तरफ है वहाँ पे ऐसा ही दूसरा कोर्ट यार्ड जहाँ पे दूसरी रानी बैठ के देख सकते हैं इनकेस कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये वाला वहाँ पे भी ऐसे विंडोज बने हैं और देख ही सकते हो कि यहाँ से व्यू कितना ही अच्छा आता है। तो यार, इस चीज़ के लिए कोई क्यों ही ना लड़े। मेनली गाइस, ये वाली जो प्लेस है ये स्पेशली जो रानियाँ होती थी वो एक दो तो नहीं होती थी, बहुत सारी होती थी। तो सबको किंग्स की एक्टिविटीज़ देखनी होती थी, तो उसके लिए उनको बाहर जाना अलाउ नहीं होता था, तो उनको यहाँ से वो बैठ के आराम से बाहर की एक्टिविटीज़ ईजिली देख सकती थी। तो ये प्लेस उसके लिए है। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी क्लिक कराई है और लिटरली जो एक विंडो है और जो छोटे छोटे स्पेस बने हैं वहाँ से सब कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहा है। वो पूरा स्पेस बहुत अच्छे से यहाँ से कवर करके देख, यहाँ से ना जो बाहर दिखता है वो सभा का एरिया है, जो राजा बैठता था दूसरे लोगों के साथ अपने डिसीजंस लेने के लिए। और रानियों को अलाउड नहीं होता था कि भाई आप बाहर जाके मेंस के साथ बैठ के आप देख पाओगे वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आई एम श्योर जो पुरानी मूवीज हैं जैसे जोधा अकबर है, ऐसी मूवीज़ में आपने ऐसे सब लुक्स और चीज़ें देखी हुई होंगी। ये सिर्फ ओरिजिनल चीज़ है और वो उसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि ऐसा होता था। तो गाइस, जैसे कि हम नीचे उतरते जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने अभी एक शॉप है, शॉप क्या मतलब इन्होंने सेटअप कर रखा है जिस पे इन्होंने अलग अलग टाइप के पपेट्स लगा रखे हैं और यहाँ पपेट शो भी चलता है, तो दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे पपेट्स सेल हो रहे हैं और यहाँ पे मतलब ये देखो, ये बहुत सारे पपेट्स हैं नीचे, प्लस यहाँ पे पपेट का शो भी चलता है। अभी पॉज कर रखा होगा क्योंकि भैया लोग पपेट्स अपने सेल कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ये देखो इतनी सुंदर राजस्थानी प्रिंट्स में इनके पास शर्ट्स हैं, प्लस कुछ बुक्स भी हैं, मतलब आप देख ही सकते हो आपके सामने। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है मैग्नेट, तो मैं अपने लिए यहाँ आपसे एक मैग्नेट लूँगा जिससे मेरा कलेक्शन और आगे बढ़ पाए। यहाँ पे ये दो छोटी कढ़ाइयाँ हैं और ये आपको याद होगा जोधा अकबर मूवी है ना, उसमें इनमें ट्रू में काम हुआ है, साइज तो आप देख ही सकते हो। और ये ट्रूली जोधा अकबर मूवी में ना इन्हीं कढ़ाइयों में काम हुआ है और ये बहुत ही ह्यूज है।
तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है वैसे, काफी ह्यूज है काफी। गाइस यहाँ पे कुनाल ले रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि इतना चलने के बाद ना बहुत जोर से भूख लग गई है। जहाँ से आपने एंट्री किया था वहीं के साइड से एग्जिट है, वहाँ पे साइड में मीना बाजार है। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ देखना है जयपुरी या राजस्थानी स्टाइल में, तो आप ले सकते हैं। और उसके जस्ट फ्रंट में ही आपको शॉप मिल जाएगा, यहाँ से आप कुछ खाने पीने के लिए छोटा मोटा स्नैक्स ले सकते हैं। हमने लिया है छोटू सा पिज्ज़ा, पिज्ज़ा खाएंगे। इससे पहले पेटीज खाई थी, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, इसलिए मेहनत चल रही है, मेहनत कर जा रही है। और पिज्ज़ा खाएंगे, उसके बाद नीचे उतरना शुरू करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे, क्योंकि अभी भी नीचे बहुत वॉक करना है नीचे जाने के लिए। फिर देखते हैं और कहाँ जा पाते हैं आज के लिए। हमेशा का कैसे कबूतर जैसी लग रही है, अभी हम थक गए ना यार, ऊपर गॉगल इसीलिए बाल सारे खराब हो गए, स्मार्ट बॉय। तो गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं और देखते हैं उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ मिलेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं जैगर फोर्ट। हमारा आमेर फोर्ट कंप्लीट हो गया है, अभी यहीं से रास्ते में ही पड़ता है जैगर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, राइट। तो अभी हम पहले जैगर फोर्ट जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं जैगर फोर्ट, यहाँ का हमने टिकट ले लिया है 150 रुपी पर पर्सन। और अगर आपको अपना व्हीकल अंदर लेकर आना है, सो 100 रुपीज आपका व्हीकल का पार्किंग का है। एंड अगर आपको आउटसाइड फोर्ट के पार्किंग करनी है बाहर, तो उसका आपको 50 रुपी व्हीकल देना ही पड़ेगा। तो हम लोग अंदर ही लेके आए हैं गाड़ी, जिससे कि हम इजीली जा पाए आराम से। तो गाइस फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, बीच में पूरा सेंटर में कुछ स्पेस है, पता नहीं किसके लिए है। इधर पूरा फोर्ट है, अंदर काफ़ी लोग गाड़ियां लेके आए हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट हो जाता है आपको, क्योंकि सारे किले ना बहुत बड़े बड़े हैं, आप कितना वॉक करोगे यार। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है, जो मेन चीज़ देखनी है आपको वो देख लो और फिर अपनी गाड़ी लेके और आप फटाफट निकल सकते हो यहाँ से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं ऊपर जैगर फोर्ट में। और एक्चुअली ना यहाँ पे आप देख सकते हो ताइवान, क्या बोलते हैं इसको, कैनन है, सॉरी यार, ताइवान है ये। ताइवान कैनन है जो यहाँ पर जैगर फोर्ट में बनाई गई, मतलब रखी गई है, क्योंकि ये आमेर फोर्ट को ना प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी उस टाइम पे, कि अगर उस पर कुछ हमला होता है तो यहाँ से वो अटैक कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये एज अ प्रोटेक्टर काम करता था। और इस फोर्ट, आमेर फोर्ट, इस फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता था, क्योंकि जब भी आमेर फोर्ट पे कभी भी संकट आया या कुछ भी आया तो इस कैनन की वजह से, मतलब वो फोर्ट हमेशा उस टाइम की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील्स थी जैगर फोर्ट में। और यहाँ के मेनली तीन ही फोर्ट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और राजस्थान के कल्चर को बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, जो कि है जैगर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और मेनली आमेर फोर्ट है। और एक चीज़ और, ये कंफ्यूजन हो गई थी, ने ये जैगर फोर्ट का प्रॉपर काम करवाया था। अच्छा, और बाकी एक चीज़ और, ये बना था 23। एक नई अपडेट, अभी जिसे ताइवान कैनन गया कहा गया था वो जैवान कैनन है। तो आप लोग ज्यादा, मतलब रितिका की बातों का बुरा मत मानना, इसकी कान पकड़ के, सॉरी, ये जैवान, इसकी बातें ना थोड़ी थोड़ी फिसल जाती हैं, वो उतने मेरे मुंह से निकल वही वाला काम हो जाता है इसके साथ। गाइस मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, मेरा व्यू यहाँ से चालू होता है, यहाँ से ये देखा, ये पूरा फोर्ट है वहां तक। तो ये रहा जल महल, और ये जो आप दूर दूर तक पहाड़ियां देख रहे हो, ये वाली, ये सारी अरावली रेंज है। गाइस हमने वो जैवर कैनन देखी और उसके बाद गाड़ी से ही थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ आए, मतलब विद इन फोर्ट के अंदर ही हैं हम। और फिर हमने देखा, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो इतना बड़ा, ये जैसे छत दिख रही है ना, ये छत नहीं है, ये पानी का टैंक है। ये पानी का टैंक ना पहले वाटर रिजर्वायर के तरीके में यूज किया जाता था, इसमें 60 लाख गैलन पानी, मतलब रिजर्व कर सकते थे। और जो पूरा इस फोर्ट में जितने भी लोग थे सब इसी ही पानी को यूज करते थे।
और पहले ऐसा बोला जाता था कि जब जो राजा मानसिंह है वो जब भी कुछ कहीं से धन लेके आते वो किसी चीज को किला फतेह कर लेते थे तो वो वहाँ की जो भी खजाना होते थे उसको लेके आके ना यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे वो छुपा के रख देते थे मतलब इन्हीं टैंक्स के अंदर। तो ये 40 से 60 फीट गहरा है, 77 में 60 फीट गहरा है। और ये 1976 में फिर जब सोनिया गांधी जी थी उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और दिल्ली और जयपुर में तो यहाँ पे वो 60 गैलन्स जो पानी था उसको बाहर निकाल के अंदर पूरा चेक किया गया था कि इसके अंदर अभी भी है कि नहीं। तो वो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में रह गया था। कोई कोई बोलता है न्यूज़पेपर में कि कुछ ट्रक्स लेकर गए थे बट जो डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियली वो ये ही था कि इसमें कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे ना कुछ कुछ ना ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें ना नीचे रूम्स हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये 4-6 मतलब ऐसे तो एक रो में 3 है, 3-3 ऐसे करके 9-10 ब्लॉक्स हैं। और इसमें भी ना 3 है, ये एक नहीं है, 3 टैंक है, ये टैंक नहीं है, ये 3-4 अलग अलग रूम्स हैं जो कि ये भी 40 से 60 फीट गहरे गहरे रूम्स हैं। इसके अंदर भी सोना दबा के रखा हुआ था राजा जी ने। उसके बाद इसी मतलब सबसे पहले जो जयपुर बोला जाता था इसी को ही जयपुर बोला था। फिर राजा जी ने वो जो इसके अंदर सोना इकट्ठा किया हुआ था उसको यूज करके पूरा जयपुर बसाया था। और जयपुर 240 साल पुराना हो गया, मतलब 240 साल पहले राजा ने यहीं से ही सोना निकाल के पूरा जयपुर बसाया था। पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मतलब कोई आया था तो उसके वेलकम में राजा जी ने पूरा शहर पिंक कलर में करवा दिया था। और जो यहाँ का पिंक, हम जो पिंक कहते हैं वो पिंक पिंक सा होता है, जो राजा के टाइम पे वो पिंक होता था वो थोड़ा हल्का ऑरेंज, डस्टी ऑरेंज टाइप हुआ करता था। गाइस हम लोग आ गए नीचे जल महल की तरफ और गाड़ी हमने यहीं लगा दी। हाँ ये मेरी गाड़ी है, छत वाइट करा ली। मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखो मैंने ऊपर से ऐसे हाफ रैप कराई थी। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी मॉडिफिकेशन की तो आप वो जाके देख सकते हो, ये मैंने ऐसी करा दी थी। गाइस चलो अब हम लेके चलते हैं आपको जयपुर के नाइट मार्केट पे। देखो कितने सुंदर सुंदर हैंडबैग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं कुछ। और देखो मैं तो बता ही रहा हूँ, रितिका तो चली गई छोड़ के, कह रही है कि इधर आओ जल्दी आओ। क्या दिख गया कुछ समझ आ रहा है क्या, दिखाना क्या है? हिमांशु भी मेरे लिए अभी लेके गया था, वो थोड़े टाइम पहले जयपुर आया था। क्या कह रही हो? ये वाले दिख गए मेरे को। ले बेटे अब तो इसकी फिर जूतियां वूतियां दिख गई इसे। बहुत जूतियां देखी इसके साइज ही नहीं मिल के दे रहे, इधर भी देखा उधर भी देखा कहीं साइज नहीं मिल रहा, तो कोई नहीं अब दूसरी जगह देखते हैं। यार मैंने तो देख लिया, मुझे जूतियों का साइज नहीं मिला, ट्रेडिशनल चप्पलों का साइज मेरा नहीं मिला। पर बाकी ये तो मेरे को समझ आ गया, जयपुर आओ भाई जूतियाँ ले यार, चप्पल ले लो, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और ये भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा रेट दे रहे हैं, वाजिब रेट है, 150 रुपये 200 रुपये मौज आ जाएगी। तो यहाँ पे आओगे तो ये नाइट मार्केट से जूती जूते चप्पल जो भी चाहिए वो लेके जरूर जाओ। तो ये देखो जी ज्वेलरी भी देख लो, सब कुछ दिखा रहा हूँ तो ज्वेलरी कैसे छोड़ दूँ। तो गाइस मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा अपनी बीवी से थोड़ी दूर हटके, जो भी जयपुर अपनी बीवी के साथ आने वाला है, भाई साहब नाइट मार्केट में आओगे ना तो थोड़ा खर्चा वर्चा देख के आना, क्योंकि बीवी लोगों का कुछ नहीं पता होता कि जहाँ हर चौथी दुकान क्या कहते हैं चूड़ी वाले की है, हर चौथी पाँचवीं दुकान सैंडल वाले की है और सूट वूट वाले की है। तो ये लोग क्या है कि आप एक चूड़ी वाले की दुकान पे आँख बंद करोगे तो आगे 3 दुकान और दिखेंगी, तो समझ जाना कि खर्चा होना निश्चित है। मेरी भी देखो
वो देखो पीछे खड़ी हुई है, अलग अलग कपड़े देख लूँ, कभी चूड़ियाँ देख लूँ, कभी सॉक्स देख लूँ, कभी कुछ देख लूँ, सारी चीज़ें पकड़ा पकड़ा के मतलब खरीद खरीदे जा रही है, मेरे को पकड़ाई जा रही है। तो ये मामला थोड़ा रिस्की है, लड़की मुझे छोड़ छोड़ भागे जा रही है, इसको बस वो दिख रहा है कि शॉपिंग शॉपिंग, ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, कभी झुमके पे अटक जाती है, कभी सूट पे अटकती है ये। जैसे कि आप ये सारी चीज़ें देख ही रहे हो नाइट मार्केट, और इसी के साथ साथ में आता है हमारा जल महल। ये देखो रात को इसमें लाइट जल रही है, और वैसे यहाँ जा नहीं सकते, जाना अभी अलाउड नहीं है। तो गाइस मैंने अब पकड़ लिया इसका हाथ ऐसे करके ना, यहीं पे दबा लिया, नहीं तो ये ना इधर उधर भागे। ओए इधर आओ, देखो देखो अभी भी भाग रही गाइस। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, और उसके बाद यहाँ से वॉक करके हम निकले थे क्या जल महल देखने के लिए। लेकिन उसी से पहले ना यहाँ पे शायद मार्केट लगती है, लोकल जो मार्केट होती है नाइट मार्केट, वो लगी हुई थी। उसको देखते देखते चीजें लेते लेते हम ना एंड तक पहुंच गए, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया, और अभी जल महल देखने का कोई फायदा सा नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिख भी नहीं रहा था, और 7:30 हो गए हैं। तो फिर जो भी हमने चीजें ली बस वो लेके अब हम यहाँ से निकल गए हैं। वॉक करते करते पैरों में भी इतना पेन हो गया, लेकिन वही मार्केट देखते देखते ध्यान ही नहीं गया इन सब चीजों के लिए। तो अभी हम निकल गए हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाएंगे और फिर होटल रूम जाएंगे, वहां जाके बहुत अच्छे से सोएंगे, क्योंकि यार अब ना इतनी ज्यादा थकान हो गई है ना कि अब लग रहा है बस बेड चाहिए, और कोई ना पैरों की मसाज कर दे तो मजा ही आ जाएगा। सो ब्यूटीफुल। तो अब हम आ गए हैं अपना डिनर करने, और रेस्टोरेंट का नाम है कबाब्स एंड करीब्स कंपनी। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे, जो कि बहुत मतलब दिखने से बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, और सेकंड चॉइस हमारी ये थी कि यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है, प्लस जो इंटीरियर में काम किया गया है ना, देख सकते हो आप, पूरा राजस्थानी टच है, जयपुरी टच है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी की गई हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत पर्सनल टच दे रहा था, एक बहुत अच्छा टच दे रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ खाना खाते हैं, और यहाँ पे खाना खा के आपको दिखाते हैं। तो ये हमने मंगाई है दाल मखनी, नान, और ये थी वेज पनीर मखनी बिरयानी। ये देख ही रहे हो कितनी कलर से, कितनी सुंदर लग रही है। बाकी हमारे पास आई है हरी चटनी, प्याज और रायता। तो गाइस आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, आपको व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ जाकर हम लोग को फॉलो कीजिए, और नई नई अपडेट्स और हमारी और ज़्यादा फोटोज़ देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और do not forget to like, share and comment, and don't forget to subscribe to our channel. और thank you guys इतना सारा प्यार देने के लिए, हमको support करने के लिए, thank you so much.